तो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं ओमेगा 3 के बारे में। तो आप सभी बहुत लोग कहते हैं कि सर हमें हम वेजिटेरियन लोग हैं तो हम फिश वगैरह नहीं यूज़ कर पाते, या फिर जो फिश ऑयल आता है, आपको पता है कि सॉफ्ट जेल फॉर्म में आता है फिश ऑयल, वो बहुत ही कॉस्टली होता है, अराउंड 500 से स्टार्टिंग होता है, तो 2000 या फिर 150,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो गाइज बहुत ही कॉस्टली होता है। तो गाइज ओमेगा 3 जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल आती है जो कि फिश से बनती है, तो वो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए परफेक्ट है। पर आपका अगर बजट नहीं है, या फिर आप नॉन वेजिटेरियन हो पर आपका बजट नहीं है कि हम ओमेगा 3 ले पाए, मतलब जो फिश ऑयल टैबलेट है, कैप्सूल है, हम वो ले पाए, तो आपके लिए एक बेस्ट अल्टरनेट है जो मैं आपको फूड बता रहा हूँ। ये एक सीड है, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो गाइज 100% वेजिटेरियन है, तो कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है। सीड से हमारे इंडियन घरों में यूज़ करते हैं ऑलरेडी, पर आपको बेनिफिट नहीं पता। हमारे घरों में हम उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज़ करते हैं, जो फूड है उसे हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, पर हमें इसके बेनिफिट नहीं पता है गाइज। तो जी हाँ गाइज, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैक्स सीड के बारे में। तो मेरे पास है एक ऑर्गेनिक फ्लैक्स सीड जिस ब्रांड का नाम है फार्मर्स प्राइड। मैंने ऑलरेडी एक इनका जो हनी है, ऑर्गेनिक हनी फार्मर्स प्राइड का, इनका एक रिव्यू किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है जो कि ऑर्गेनिक हनी है, और मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि आपको घर पे ही आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके पास जो हनी है वो ऑथेंटिक है, मतलब कुछ मिलावट वाला है या फिर कुछ मतलब ऑर्गेनिक है, तो उसकी लिंक मिल जाएंगे आपको आई बटन पर, आप वो वीडियो ज़रूर जाके देखिए। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं फ्लैक्स सीड। तो ये मेरे पास है फार्मर्स प्राइड का फ्लैक्स सीड, ऑर्गेनिक फ्लैक्स सीड है, और मैं डायरेक्टली जो शॉप से लाता हूँ फ्लैक्स सीड, तो मैंने वो यूज़ किए पर इतने टेस्टी नहीं लगे, पर इन्होंने कुछ स्पेशल किया है सबसे हट के, तो इनके थोड़ा फ्लैक्स सीड बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इनके अगर आप इंग्रेडिएंट्स अगर चेक करोगे ना, तो इन्होंने यूज़ किया है इंग्रेडिएंट्स में है फ्लैक्स सीड जो कि इनका मेन बेस है, फ्लैक्स सीड, थोड़ी टर्मरिक, आपको पता है कि टर्मरिक भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, जिसे हम हल्दी कहते हैं, और इन्होंने थोड़ा यूज़ किया है रॉक सॉल्ट, मतलब थोड़ा नमक इन्होंने यूज़ किया है, और इसमें थोड़ा लेमन जूस यूज़ किया है। आप सभी को पता होगा कि ओमेगा 3 हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप आपका पेट भरने के लिए तो जो कार प्रोटीन जो भी आपका खाना है वो आप खा लेते हो, पर जो हमारा हार्ट है, हमारा ब्रेन है, इन सब के लिए, हमारी स्किन है, हमारा आईज, इन सब के लिए ओमेगा चाहिए रहता है गाइज। तो इनका पेट भरने के लिए हमें ओमेगा चाहिए। तो आप फिश ऑयल यूज़ कर सकते हो, फिश ऑयल बहुत ही कॉस्टली आता है, तो उसका अल्टरनेट क्या है गाइज, फ्लैक्स सीड। तो जी हाँ गाइज, आप इसे यूज़ कर सकते हो फ्लैक्स सीड को, बहुत ही कम प्राइस में आता है गाइज, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप अगर ओट्स वगैरह बनाते हो तो आप ओट्स के साथ यूज़ कर सकते हो, अगर आप ब्राउन ब्रेड खाते हो तो आप ब्राउन ब्रेड के ऊपर थोड़ा पीनट बटर लगा के उसको उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने इसको ओपन कर लिया, तो देखिए इसके साथ एक छोटा एक स्पून भी मिला है, तो आप देख सकते हो कि इसका कलर थोड़ा तो गाइस काफ़ी अच्छा है, मैं तो कभी कभी ऐसे ही खा लेता हूँ इसको। घर पे कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, छोटे बड़े कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, एनी टाइम भी अगर आप खाना खाते हो उस टाइम भी अगर आप इसको अगर पीस लोगे ना, तो आप उस टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइज अब इसके थोड़ी न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने मेंशन किया है 100 ग्राम का, तो आपको 100 ग्राम वगैरह खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी वेट की अगर बात करें तो 200 ग्राम का इसका वेट है, और गाइज इसकी प्राइस आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको थोड़ी देर के बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप 100 ग्राम यूज़ करेंगे तो आपको 534 ग्राम आपको इसमें कैलोरी मिलेंगी, 29 ग्राम आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, 42 ग्राम आपको इसमें फैट मिलेगा, इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो गाइस अब बात करते हैं कि हमें ये कितना खाना चाहिए। तो आप 1 स्पून खा सकते हो, 2 स्पून खा सकते हो, कोई भी इसे 1 स्पून 2 स्पून खा सकता है। और गाइस इनकी टेस्ट थोड़ी अच्छी लगती है क्योंकि इन्होंने टर्मरिक वगैरह यूज़ किए, सॉल्ट वगैरह, और इनको सबसे मेन रोस्ट किया है, इसलिए इसकी टेस्ट थोड़ी हटके लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, अगर आप वही ओल्ड अगर फ्लैक्स सीड खाते हो तो आपको थोड़ी टेस्ट अच्छी नहीं लगेगी, इसको यूज़ कीजिए, थोड़ी टेस्ट को आपको चेंज कीजिए, अच्छा लगेगा। तो चलिए गाइस अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको इसको बाय करना है तो लिंक मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है www.farmersprite.in।
उसकी लिंक भी मिल जाएंगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली उस साइट पर भी जाके आप प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए। जय बजरंगबली, जय हिंद।